Hello, this is the lecture number 6 for the class 10th mathematics, and we were discussing the previous lectures, the chapter real numbers, and we have done up to exercise 1.3. Now in the next exercise is based on, you have to prove that what is the condition to be a rational number to be a terminating decimal. Now see it very carefully. Let p upon q be a rational number. Now it will be a terminating decimal if the factors of q ke agar prime factors 2 or 5. Powers means 2 into 2, 2 into 3 or 5 into 3. Matlab 5 ke factors hon, where m or n are some whole natural numbers, then it will be a terminating decimal. So kehne ka matlab hai, without dividing you can find whether the following rational number is a terminating decimal or non-terminating decimal. Okay? So what you have to do, you simply find the prime factors of the numerator and denominator, and first of all convert into the lowest form. Kuch cancel ho raha to cancel kar lijiye. Now after that see what are the prime factors of the denominator. Prime factors denominator ke kya hain. Now if they are to be only 2 and 5, cable factors 2 or 5 ho rahe hain, then it will be the terminating decimal. Theek hai, otherwise it will be a non-terminating. So this is the exercise 1.4, बहुत easy है. And if it is a terminating, then you have to convert into decimal. उसको convert करना का भी तरीका बहुत easy है. Now let us take the question number 1 of exercise 1.4. 13 upon 3125. तो आप 3 into 1 denominator के prime factor बना लिए, जैसे आपको आते हैं वही जैसे prime factor आते हैं आपको division method से. ये आ गया. Now what is here? Now this is the factors of only 5. 2 या 5 या दोनों आ जाएं तो वो टर्मिनेटिंग है. यहाँ पर 5 आ रहा तो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया. Q इज फॉर द फॉर्म 2 into 5 की पावर m. n यहाँ पर 0 है, m यहाँ पर 5 है, ये लिख दिया मैंने. इसके मैंने प्राइम फैक्टर बनाए डिनोमिनेटर के. 2 की पावर तो 0 आ रही है, n की वैल्यू 0 है, और 5 की पावर 5 आ रही है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया. क्योंकि 2 ये तो लिखने का तरीका हो गया, अदरवाइज तो बहुत ईजी हो गया कि डिनोमिनेटर में 2 या 5 या दोनों आ जाए तो टर्मिनेटिंग होता है. Now, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. क्या करना है? डेसिमल में. अब ऐसे नहीं कि आप इसको डिवाइड करेंगे. सिंपल सा तरीका है, यू मेक द डिनोमिनेटर द फैक्ट मल्टीपल्स ऑफ 10. आपको डिनोमिनेटर के मल्टीपल ऑफ 10 में कन्वर्ट करना है. तो हाउ कैन वी कन्वर्ट इनटू मल्टीपल ऑफ 10? अगर यहां पर 10 कैसे आएगा, 2 और 5 दोनों होने चाहिए. अब यहां पर तो केवल क्या है, आपके पास 5 है, ओनली 5 इज हियर. तो जितने यहां पर 5 है उतने ही 2 होने चाहिए. अगर एक 5 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करके 10 आ जाता. अगर दो 5 होते तो 4 से मल्टीप्लाई करके 100 आ जाता, एंड सो ऑन. यहां पर 5 की पावर 5 है तो 2 भी 2 की पावर 5 ही होना चाहिए जब यहां पर 10 के मल्टीपल्स आएंगे. तो 2 की पावर 5 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिए ताकि डिनोमिनेटर में 10 के मल्टीपल्स आ जाए. क्योंकि जब टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो 10 के मल्टीपल्स ला करके डिवाइड करना है, डायरेक्टली डिवाइड नहीं करना है आपको. हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 13 into 2 की पावर 5 406. ये कितना आ जाएगा, इसमें 10 की पावर 5 आ जाएगा, 2 into 10 की पावर 5. ठीक है, 1 लाख. तो इसको इससे डिवाइड करिए, 5 के बाद 0 आ जाएगा. तो बिना डिवाइड करिए डेसिमल में कन्वर्ट हो गया. नाउ सेकंड पार्ट, 17 upon 8. 17 into 1 और 2 की पावर 3. तो डिनोमिनेटर में केवल 2 के फैक्टर्स आ रहे हैं तो टर्मिनेटिंग हो गया. यहाँ पर क्यू जो है किस फॉर्म में, 2 की पावर n into 5 की पावर m है. m यहाँ पर 0 क्योंकि 5 की पावर यहाँ पर 0 है और n की पावर यहां पर 3 है. दिस इज सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग हो गया. अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो डेसिमल में कन्वर्ट करने 2 और 5 दोनों आने चाहिए. कितने 2 यहां पर, 3. तो 5 भी यहां पर 3 ही होने चाहिए. तो 5 की पावर 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 1000 आ गया. मल्टीप्लाई करने पर 1000 से डिवाइड, यहां पर डेसिमल आ जाएगा. कितना ईजी. नाउ इन थर्ड पार्ट, 64 upon 455. आप 64 2 की पावर 6 और इसके प्राइम फैक्टर्स ये आ रहे हैं. नाउ सी इट इन द डिनोमिनेटर वेरी केयरफुली. यहाँ पर फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा और भी कुछ आ रहे हैं अदर देन 2 एंड 5, बिकॉज द डिनोमिनेटर हैव द फैक्टर अदर देन 2 एंड 5. 7 और 13 आ रहा है तो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग. सो इट क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर. सो दैट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. फोर्थ पार्ट, 3 into 5 upon 2 की पावर 6 into 5. इसके प्राइम फैक्टर्स बना लिए. नॉट डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही फैक्टर्स आ रहे हैं केवल. तो बिकॉज क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर n, एन यहां पर 6 है, एम यहां पर 1 है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया. ओके, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल. तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पर कितना है, यहां पर 2 की पावर 6 है,
टू की पावर सिक्स, तो यहां पर डिनोमिनेटर में फाइव की पावर भी सिक्स होनी चाहिए, मतलब यहां फाइव टू है तो फाइव भी, ओ सॉरी टू यहां पर सिक्स टाइम्स है तो फाइव भी शुड बी सिक्स टाइम्स, तो हाउ मेनी टाइम्स इट इज हेयर, ओनली वन, पांच और चाहिए, तो फाइव की पावर फाइव से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितने टू की पावर है उतने ही फाइव की पावर होनी चाहिए टू कन्वर्ट इनटू टर्मिनेटिंग डेसिमल, सो मल्टीप्लाई वी हैव ओनली वन एंड वी नीड सिक्स, तो कितने और चाहिए फाइव, तो फाइव की पावर फाइव से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर दिस, और डिनोमिनेटर में कितने आ गए टेन इंटू टेन इंटू टेन इंटू टेन इंटू टेन फाइव टाइम्स और राधा सिक्स टाइम्स, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करिए आएगा डेसिमल। एंड अदर 29 अपॉन 343, 29 इंटू वन, और इसके प्राइम फैक्टर 7 इंटू 7 इंटू 7, द डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5 आ रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, बहुत ईजी है। नेक्स्ट इज 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, 5 की पावर 2 ऑलरेडी यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स में दे रखे हैं, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर्स ही हैं केवल, वही क्यूज ऑफ द फॉर्म 2 एंड 5, एन की वैल्यू कितनी है 3 और एम की वैल्यू हाउ मच इज इट इज 2, वेरी, तो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब कैसे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, नौ कितने टू चाहिए यहां पर, टू की पावर थ्री है और फाइव की पावर टू है, ठीक, तो हाउ मेनी टू वी नीड इट, कितना चाहिए यहां पर, यहां पर कितने हैं, इट विल बी टू की पावर थ्री फाइव की पावर टू, सो हमें यहां पर टू की पावर फाइव चाहिए, पांच टू चाहिए और फाइव की पावर कितना है टू, मतलब इसका वो ले लो आप टोटल पांच है, तो टू की पावर थ्री, टू की पावर टू से मल्टीप्लाई डिवाइड, फाइव की पावर टू है तो फाइव की पावर थ्री से मल्टीप्लाई, सेम आ जानी चाहिए पावर, इससे मल्टीप्लाई करना है कि सेम होने चाहिए बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पर ट्वेंटी टू की पावर थ्री है तो हमें दो टू और चाहिए, यहाँ फाइव की पावर टू है यहाँ ये और चाहिए, तो कितना हो गया टेन की पावर फाइव हो गया, मल्टीप्लाई करके टेन की पावर फाइव से डिवाइड करेंगे ये आएगा आपके पास, ठीक है, सो सम वॉट ईजी एक्सरसाइज इज दिस टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। सिमिलरली एट पार्ट 6 अपॉन 15, 2 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 5, देखो यहाँ पर देखने में लग रहा है 3 इंटू 5 प्राइम फैक्टर्स, 3 और 5 ये थोड़ा सा अलग है, 3 और 5 आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन न्यूमेरेटर इट इज नॉट इन द लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म में मैंने बोला था होना चाहिए, तो 2 इंटू 5 3 से 3 कैंसिल हो गया, केवल इसके 5 फैक्टर आ रहा है तो इट इज अ टर्मिनेटिंग, 2 और 5 के फैक्टर्स में है, एम 0 एम 1 है तो टर्मिनेटिंग हो गया, और कैसे कन्वर्ट करना है, एक 5 है तो एक 2 और होना चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, नीचे 10 आ गया, बस 35 अपॉन 50, दिस इज 7 इंटू 5 एंड 50 कर सकते हैं हम लोएस्ट फॉर्म में, ठीक है, 5 और 2 के फैक्टर्स आ गए, n की वैल्यू यहाँ पर 1 है और m की वैल्यू 1 है, वही सेम थिंग वी आर डूइंग इन द प्रीवियस पार्ट्स, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया ये, कितने 2 चाहिए हमें, 1 2 है और ये वैसे ज़रूरत भी नहीं है, 10 ही आ गए तो ऑलरेडी ज़रूरत नहीं है, 10 आ जाएगा, ठीक है, ये हमने गलत कर लिया, ऑलरेडी 10 है, ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, दिस वी हैव डन रॉन्ग, ऑलरेडी यहाँ पर 10 आ गया है, 7 5 इंटू 2 7 अपॉन 10 0.7 हो गया, ठीक है, ऑलरेडी 10 आ ही रहा है, नाउ दीज नंबर्स आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड वेदर आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, और आपको पता लगाना है कि ये रैशनल और इरैशनल नंबर है, एज वी हैव डन डिस्कस अर्लियर दैट अ रैशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एंड इरैशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, तो क्या है वाला डेसिमल देखिए, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट हो रहा है तो सी सी बात है रैशनल नंबर है, दिस इज अ रैशनल नंबर, नाउ दिस इज 120 1200 1200 एंड सो ऑन, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, सो इट इज अ इरैशनल नंबर। नाउ दिस इज 43.123456789 बार नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, सो दिस इज दी रैशनल नंबर, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है दैट विल बी अ रैशनल नंबर, तो ये लास्ट क्वेश्चन इसका इजी था, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 1 दैट इज द रियल नंबर ऑफ क्लास 10th, यू सी दीज लेक्चर्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 one or two to three times, then you will have a good hand over this chapter. And do yourself also two times at least. Okay, thank you.